के स्वरूप में हमारी बुद्धि को निर्मल करते हैं, ऐसे आचार्य देवों को भव हमारा जो उत्तराखंड है, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े विद्वान, जो काम हमने यहाँ किया वो स्वर्ग में जाकर के वो FD बन जाती है। ये सही दर्शन सज्जनों बड़ा पवित्र है और ये तीर्थ है, चलता फिरता चलता प्रयाग है, इस प्रयाग में तो सबको आना है। ये ऐसे आसानी से राज्य नहीं मिला, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपने आप को बलिदान दिया है और भाजपा कांग्रेस को मजाक समझ रही है। भाजपा कांग्रेस कभी भी आंदोलन में नहीं रही और भाजपा कांग्रेस का ही रोल रहा है हमारे लोगों का, जो हमारे साथ अन्याय हुआ, जो गोलियां चली इसमें, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा भी विपक्ष में बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन उनका जो है इसमें कोई योगदान नहीं रहा आंदोलन में। और इस समय स्थिति यह है कि जो जिन लोगों ने अपने आप को शहादत दी है वो राज्य की शहादत दी थी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ नौकरी मिलेगी, पलायन रुकेगा, यहाँ के लोगों का जो हमारे हक होगा जल जंगल जमीन पे हमारे लोगों का अधिकार होगा। लेकिन 20 सालों में हमको कुल मिला करके जो है शहीदों का अपमान दोनों सरकारों ने किया है। जो शहीदों का जो सपना था उस सपने को हम संकल्प लेते हैं आज के दिन कि हम जो शहीदों का सपना है हम साकार करेंगे। देखिए आज 27 साल हो गए, 1 सितंबर खटीमा उनके शहीदों को भी हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, 2 सितंबर मसूरी उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। पर लेकिन जो भावना, जो सोच उस समय की थी कि कैसे उत्तराखंड बनना चाहिए और कैसे महिलाओं ने, हर वर्ग के लोग, सूचित बेरोजगार, कहाँ से ये आंदोलन उठा, सब लोग इस आंदोलन में थे, वो भावनाएँ सब खत्म हो गई है। सब अपनी राजनीति में रोटी सेक रहे हैं और कोई विशेष करके कोई भी उसमें नहीं सोच रहा कि उत्तराखंड का क्या होगा। आज प्रवासी, इतने लाखों प्रवासी उत्तराखंड में आए, उनकी कोई चिंता किसी की नहीं है कि भाई एक ही बात कहने, हम दाल चावल दे रहे हैं इससे पेट भरी अपना, इससे कुछ नहीं होगा, उत्तराखंड का विकास होने वाला नहीं है। जब तक आप धरातल पर योजनाएं नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। राजधानियों में रोटियां सेक रहे हैं, मैं ग्रीष्मकालीन खोल रहा हूँ, मैं फरने पक्की राजधानी खोल रहा हूँ, ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए थी और कहाँ से उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था, ये किसी ने नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन मंथन करने का विषय, इसमें संगोष्ठियां होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष की होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए, इसमें रोटियां नहीं सेकनी चाहिए।